हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कृष्णा ऑटोमेशन। हमारे जिन स्टूडेंट का प्लेसमेंट्स हुआ है उनमें से कुछ स्टूडेंट्स ने अपना रिव्यू दिया है और कुछ अपना कोर्स कंप्लीट गए हैं उन्होंने रिव्यू दिया है, तो वो मैं साथ में अटैच कर रहा हूँ। एक एक बच्चे का रिव्यू आप लोग चेक करें, ठीक है ना। हेलो सर, मेरा नाम वैभव है, मैं सहारनपुर से बिलोंग करता हूँ कृष्णा ऑटोमेशन में। इनकी मैंने इंस्टाग्राम पे वीडियो वगैरह, यूट्यूब पे वीडियो वगैरह देखी थी, तो मुझे सर का पढ़ाने का बहुत अच्छा लगा। जिस तरीके से सर पढ़ाते हैं शायद कोई टीचर्स इतना अच्छा नहीं पढ़ा सकता। तो एक महीना हो गया मुझे यहाँ आए और मैंने यहाँ पर बहुत कुछ सीखा है, जैसे RLC, PLC, PLC, लैडर लॉजिक वगैरह सब बनाना बहुत अच्छे से सर ने सिखाया है। सर के गाइडेंस में मैंने बहुत कुछ ज़्यादा सीखा है। मेरा इंटरव्यू हुआ है AV ऑटोमेशन में, जहाँ मुझे सिलेक्टेड कर लिया गया है, और इसलिए सर का बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो फ्रेंड, मेरा नाम मधुसूदन कुमार है। मैंने 1 जुलाई को कृष्णा ऑटोमेशन में PLC कोर्स के लिए एडमिशन लिया था और आज 24 जुलाई को मेरा प्लेसमेंट हो चुका है टेक्नोसिस इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड में। 18,000 CTC है, मैं फ्रेशर हूँ। गोपाल सर बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं और यहाँ की सबसे अच्छी खासियत है कि प्रैक्टिकल के लिए पूरी टाइमिंग होती है और सर बहुत सपोर्ट करते हैं। सुबह 8 बजे से लेकर के 6 बजे तक प्रैक्टिकल होती है और थ्योरी की क्लासेस भी होती है, जिसके कारण हमें PLC प्रोग्रामिंग अच्छे से समझ में आई और इंटरव्यू में जितने भी सवाल पूछे गए उसके हमने सही से जवाब दे पाए, इसलिए आज मेरा प्लेसमेंट हो चुका है। इसलिए कृष्णा सर, गोपाल सर को बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, मैं भरत वर्मा, मैं आजमगढ़ से बिलोंग करता हूँ। मैंने कितना ऑटोमेशन ज्वाइन किया जुलाई में, 1 महीना पहले, जिसमें सर ने मुझे बढ़िया सा ट्रेनिंग के साथ साथ थ्योरी प्रैक्टिकल बताया। फिर उसके बाद हमने इंटरव्यू दिया, बढ़िया दिया। जो भी क्वेश्चन पूछा जाता, जो सर पढ़ाते हैं थ्योरी प्रैक्टिकल, उसी से रिलेटेड रहता है। और मैंने जितनी इंटरव्यू दिया उसमें मैं सब जगह सिलेक्शन हुआ। मैं प्रेजेंट टाइम में एकमस टेक्नोलॉजी सोनीपत में ज्वाइन कर रहा हूँ और वहाँ पे अच्छी सैलरी, अच्छी बेनिफिट है कंपनी की तरफ से, रहने खाने का सब व्यवस्था है। थैंक यू। मेरा नाम सूरज कुमार है, मैं भदोही डिस्ट्रिक्ट से रहने वाला हूँ और मेरा प्लेसमेंट हुआ है क्या नाम है AV ऑटोमेशन में, यहीं 8 किलोमीटर बगल में है। और सर का जो पढ़ाने का जो क्लास में क्लास होता है बहुत बेहतर है, और यहाँ के जो लैब हैं प्रैक्टिकल कराते हैं वो भी बहुत बेहतर ही है। हर चीज़ मतलब समझ में अच्छे से आ जाता है, क्लास भी और प्रैक्टिकल भी समझ में अच्छे से आ जाता है और यहाँ से प्लेसमेंट भी हो जाता है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम जितेंद्र कुमार है, मैं बनारस से रहने वाला हूँ और करीब मुझे यहाँ पे 1 महीना हो गया है अभी भी, और यहाँ का से PLC करके मैं कल पानीपत में जो मैं ज्वाइन किया हूँ अपना, और सर के पढ़ाए हुए कोर्सों को पूरी तरह से वीडियो और कोर्स को अच्छी तरह से पढ़ा, और इसके पढ़ने के बावजूद हमें आज मेरा आज ज्वाइनिंग हुआ है। और सर का वीडियो यूट्यूब पर सर आप लोग फॉलो करें, और यूट्यूब का वीडियो सर के जितना ही आप लोग देखेंगे उतना ही आप लोगों का जो कि आगे का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और वीडियो भी देखें और ऑनलाइन भी देखें, बस थैंक यू। मेरा नाम विपुल चौहान है, मैं आजमगढ़ UP से रहने वाला हूँ। मैंने यहाँ 1 महीने आकर गोपाल सर से PLC और FD सर्वो मोटर का ट्रेनिंग लिया और आज मेरा प्लेसमेंट हो गया नेक्स्ट जेन कंपनी पे एक प्रोग्रामर के रूप में यहाँ हुआ है मेरा। गोपाल सर हमारे लिए यहाँ पर सुबह 8 बजे से रात के 9 बजे तक हमारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पर हमारी मदद करते हैं और सहयोग करते हैं, पढ़ाते हैं। यहाँ पर आप भी आइए और सीखिए गोपाल सर से। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विपुल चौहान है और मैं कृष्णा ऑटोमेशन इंस्टीट्यूट में मैंने ट्रेनिंग की है, 1 महीना मुझे हो गया, और गोपाल सर ने मुझे ट्रेनिंग दी थी पूरी थ्योरी प्रैक्टिकल, पूरी PLC और सीमेंस PLC डेटा ओवरऑल सभी PLC सर ने अच्छे तरीके से कराए, पूरे प्रोग्राम कराए और MNC कंप्यूटर सर इंप्रूव कराया, और सर ने बहुत 1 महीने से अच्छे से ट्रेनिंग दी इंस्टीट्यूट में। पूरे 1 महीने में मुझे पूरे 4 साल BTech के बराबर नॉलेज हुई और MNC कंपनी में मेरा अच्छे से अच्छा प्लेसमेंट कराया सर ने।
और एंड फूडिंग लॉजिक पूरा कुछ एमएस कंपनी मिला मुझे। और गोपाल सर पूरे दिन इतनी अच्छे से मेहनत करते हैं, बहुत ज़्यादा बहुत मेहनत करते हैं सभी स्टूडेंट के लिए और बहुत अच्छी ट्रेनिंग देते हैं और सभी का प्लेसमेंट कराते हैं। ये बहुत अच्छा स्टूडेंट है ऑटोमेशन और एक महीने के अंदर पूरी मुझे ट्रेनिंग दे के और मेरे प्लेसमेंट करा दिया। मेरा नाम राहुल कुमार है, मैं एक मंथ से यहाँ पर पीएलसी का कोर्स कर रहा हूँ और पीएलसी कोर्स करने के बाद मेरे को बहुत सारी जानकारी हो गई। मेरे को 1.5 महीना हो गया पीएलसी में। स्काडा, ऑटो कैड, सिमेंस, डेल्टा, पीएलसी वायरिंग, हाई स्पीड काउंटर, ये सारी चीज़ मैं सीखा हुआ हूँ। मेरे को पहले कुछ नॉलेज नहीं था इसके बारे में। मैं यहाँ आने के बाद बहुत सारी गोपाल सर की क्लास सबसे बेस्ट है। मेरी जॉब हिंदुस्तान कंपनी मोटर नोएडा 67 में लगी, सैलरी 20,000। मेरा नाम उमेश यादव है, मैं देवरिया जिले का रहने वाला हूँ। मैं यहाँ पे 3 तारीख को आया था और मेरा प्लेसमेंट भी हुआ है सोनीपत हरियाणा में एटमस कंपनी में। हेलो, हम लोग महाराष्ट्र से आए थे गोपाल सर की क्लास के लिए। हमने बहुत सारी इंटरव्यू देखे थे लेकिन हमने गोपाल सर की क्लास के लिए इसलिए हम लोग ने यहाँ एडमिशन लिया, जिसमें हमने बहुत सारी चीज़ सीखी गोपाल सर के साथ। बहुत सारे अच्छा एक्सपीरियंस रहा। गोपाल सर सुबह से 8 बजे 8:30 बजे से आ जाते हैं हमारे साथ, हम लोग के साथ शाम तक काम किया। करते हैं आप भी आओ सीख के जाओ। ये हमारा लैब है, ये देखो BFD लगी हुई है, इसकी पूरी वायरिंग बच्चे खुद करेंगे वायरिंग अपने, ये मोटर को चलाएंगे वायरिंग करके, है ना। ये कॉन्टैक्टर्स हैं, ड्यूअल स्टार्टर, रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर का स्टेशन है, यहाँ से होगा। BFD की वायरिंग खुद करेंगे, ये देखो सीमेंस की PLC, मिसुबिशी, आ जाओ डेल्टा और ये एलन बेडली और ओमरॉन और ये पूरा HMI देखो, ये हाइड्रोलिक सिलेंडर है, डबल सिलेंडर, एक डबल सिलेंडर मशीन है, पूरी पूरी डबल सिलेंडर हाइड्रोलिक मशीन है। देखो पूरा प्रैक्टिकल बच्चे करते हैं। HMI देखो और ये HMI देखो, देख रहे ना पूरा लैब। देखो डबल सिलेंडर एक मशीन और है हाइड्रोलिक SPM मशीन्स, देख रहे हो PLC लगाना, वायरिंग करना। अभी बच्चे जा चुके हैं, क्लासें हो चुकी हैं ना अभी, इसलिए अब देखो ये लिफ्ट है, लिफ्ट का प्रोटोटाइप हमने बनाया हुआ है, ये प्रैक्टिकल। सर्वो देखो, सर्वो, सर्वो ड्राइव, सर्वो मोटर, स्टेपर मोटर, AC मोटर, BFD, स्टेपर ड्राइव, देख रहे हो आप सब लगे हुए। ये देखो HMI, HMI देखिए, एक HMI ये रही, देखो ये यहाँ पे HMI। इस तरीके से ये देखो PLC मिसुबिशी FX5U लेटेस्ट मॉडल, ड्राइव, BFD, ये वायरिंग के लिए PLC रखी हुई है। बच्चे वायरिंग करते हैं PLC वायरिंग, RLC वायरिंग। मतलब ये है कि कुल मिला के मैं आपको एक ही बात बताऊंगा कि आप जो है ना मेहनत करो, आगे बढ़ो, डेवलप करो। और मैं पूरी तरीके से सीधा सीधा है, ग्रोथ कैसे लेनी है वो PLC ऑटोमेशन फुल नॉलेज होने से, लैडर वगैरह, तभी ग्रोथ है। तो ग्रोथ के लिए मेरा रहता है कि कम से कम कोई भी कैंडिडेट 25-30 हज़ार रुपये कमाए तो वो जिससे कहें घर को सही ढंग से चला सके, ठीक है। BMC की लैब भी हमारे पास, BMC भी है। ये BMC मशीन है पूरा, ये भी अभी स्टूडेंट जा चुके हैं। तो ये पूरा हमारा जो सिस्टम है CNC BMC सब कुछ हम
सारे कोर्सेस मैकेट्रॉनिक्स के पूरे कोर्स हैं, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स। आप लोग ज्वाइन करें, किसी की बातों में ना आए। सीएनसी बीएमसी का 4000 रुपये का पैकेज है, 1000 रुपये और देना होता है, जिसमें आपका इंडस्ट्रियल ड्राइंग, जीडीएनटी, सरफेस रफनेस और ये ऐड हो जाता है, तो टोटल 5000 रुपये का पड़ता है। तो 5000 रुपये में आप ये कोर्स करें। टोटल सीएनसी में 6000 रुपये का ये पीएलसी ऑटो में पूरा पैकेज है, तो इससे ज़्यादा चार्जेज नहीं है, कोई भी इसको ज्वाइन कर सकता है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।